नमस्कार, मैं मनोज कुमार जैन और इंडिया निवेश कमोडिटी रिसर्च अपडेट में आज 11 मार्च की सुबह आप सभी का स्वागत है। सोना और चांदी की कीमतों में हमने रिकॉर्ड हाइस के बाद मंगलवार के सत्र में एक बार फिर से मुनाफा वसूली आते हुए देखी और सोना और चांदी की कीमतें लगभग 1% से भी ज़्यादा गिरावट के साथ कल के सत्र में बंद होती हुई दिखी। सोने की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में फिर एक बार $1650 के स्तर को टेस्ट करती हुई दिखी। वहीं चांदी की कीमतें भी अपने सपोर्ट्स लेवल $16.70 पर ट्राउंस के स्तर को टेस्ट करती हुई दिखी। भारतीय बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमतों में लगभग 0.25% की गिरावट कल के सत्र में देखने को मिली। सोना 43,530 के लोस को टेस्ट करता हुआ दिखा। वहीं चांदी की कीमतें भी अपने सपोर्ट्स लेवल 45,850 को टेस्ट करती हुई दिखी। इंटरनेशनल मार्केट में ब्लैक मंडे को दोनों ही प्रेशियस मेटल्स में रिकॉर्ड बढ़त देखने को मिली थी और सोने की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में $1700 के स्तर को भी पार कर गई थी। लेकिन उसके बाद ट्यूसडे को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्टिमुलस पैकेज के अनाउंसमेंट के होप के चलते यहाँ पे दोनों प्रेशियस मेटल्स में एक बार फिर से मुनाफा वसूली देखने को मिली। हालांकि जिस तरह से ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में अभी भी वॉलेटिलिटी बनी हुई है तो उसके चलते यहाँ पे दोनों ही प्रीशियस मेटल्स में निचले स्तरों पर फिर एक बार सपोर्ट्स देखने को मिल सकते हैं। ग्लोबल इक्विटी मार्केट में भी कल के सत्र में निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिली जिसके चलते यहाँ पे दोनों ही प्रीशियस मेटल्स में एक बार मुनाफा वसूली जो है वो बढ़ती हुई दिखी। सोना इंटरनेशनल मार्केट में $1640 पर ट्राउंस के स्तर को होल्ड करता हुआ दिखेगा। वहीं $1674 अब यहाँ पे एक इमीडिएट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। वहीं चांदी की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में $16.70 पर ट्राउंस के स्तर को होल्ड करती हुई दिखेगी। 17.40 यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेंगे। वहीं भारतीय बाजारों में 43,300 सोने के लिए अभी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स बने हुए हैं। वहीं 44,100 यहाँ पे रेजिस्टेंस बने हुए हैं। चांदी के लिए 45,500 जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स का काम करेंगे। वहीं 46,650 यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं। कच्चे तेल की अगर बात करें तो कल के सत्र में यहाँ पे निचले स्तरों से रिकॉर्ड जो है एक बार फिर से सुधार देखने को मिला और कीमतें लगभग 8% की बढ़त इंटरनेशनल मार्केट में दिखाने में सफल रही। WTI की कीमतें फिर से एक बार $34 के स्तर को टेस्ट करती हुई दिखी। वहीं ब्रेंट की कीमतें $37 पर बैरल के स्तर को पार करती हुई दिखी। भारतीय बाजारों में भी लगभग 2% से ज़्यादा की बढ़त कल के सत्र में देखने को मिली और कीमतें एक बार फिर से 2500 के स्तर को टेस्ट करती हुई दिखी। हालांकि यहां पर रशिया और सऊदी अरेबिया की तरफ से काफ़ी स्टेटमेंट्स निकल कर आ रहे हैं और रशियन ऑयल मिनिस्टर का भी कल स्टेटमेंट निकल कर आया कि वो ओपेक के साथ फिर से बातचीत के लिए तैयार है। हालाँकि सऊदी अरेबिया की तरफ से स्टेटमेंट निकल कर आया कि अप्रैल से वहाँ उत्पादन में जो है रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और उत्पादन 12.3 मिलियन बैरल पर डे के स्तर पर पहुंच सकता है। रशिया की तरफ से भी स्टेटमेंट निकल कर आया कि वो यहां पे 3 लाख बैरल पर डे से उत्पादन बढ़ा सकते हैं जो कि आने वाले समय में 5 लाख बैरल पर डे तक पहुंच सकता है। उसके चलते यहां पे कच्चे तेल की कीमतों में उठा पटक जारी है। हालाँकि अगर यहाँ पर ओपेक की कोई इमरजेंसी मीटिंग होती है तो फिर कच्चे तेल की कीमतों में स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है, नहीं तो यहाँ पर अभी वॉलेटिलिटी जो है वो बनी रह सकती है और कच्चे तेल की कीमतें $31.5 पर बैरल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स जो हैं उसको होल्ड करती हुई दिखेगी। वहीं 37.5 यहाँ पे WTI के लिए रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं। वहीं भारतीय बाजारों में 2350 के स्तर यहाँ पे सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं 2680 से 2700 के रेंजेस में यहाँ पे फिर एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं। बेस मेटल्स की अगर बात करें तो कल के सत्र में वहाँ पे भी निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिली जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट निकल कर आए कि वो कोरोना वायरस से जो इकोनॉमी स्ट्रगलिंग हो रही है वहाँ पे उसको सपोर्ट करने के लिए स्टिमुलस अनाउंसमेंट आ सकते हैं। उसके चलते यहाँ पे बेस मेटल्स की कीमतों में सुधार देखने को मिला। कॉपर की कीमतें LME पर फिर एक बार लगभग 1% की बढ़त के साथ बंद होती हुई दिखी और कीमतें $5,580 पर मेट्रिक टन के स्तर को टेस्ट करती हुई दिखी। भारतीय बाजारों में भी कीमतों में थोड़ा सुधार देखने को मिला और कॉपर की कीमतें एक बार 432 के स्तर छूने के बाद यहां लगभग 428 के आसपास बंद होती हुई दिखी। निकल की कीमतों में भी यहां पर सुधार दर्ज किया गया और 974 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद फिर ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली की चमते कीमतें लगभग 953 के आसपास यहां पर बंद होती हुई दिखी। हमारा मानना है कि जिस तरह से ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में वॉलेटिलिटी बनी हुई है
बेस मेटल्स की कीमतों में वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है, लेकिन निचले स्तरों पर यहाँ सपोर्ट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि चाइना में अब नए जो वायरस के केसेस है उसमें रिकॉर्ड गिरावट देखने को मिल रही है, और जिसके चलते यहाँ पे आने वाले समय में चाइनीज़ इंडस्ट्री की बेस मेटल्स में खरीदारी देखने को मिल सकती है। कॉपर में निचले स्तरों पर 422 यहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स बने हुए, वहीं 433 अभी भी रेजिस्टेंस का काम करेंगे। वहीं निकल की अगर बात करें तो यहाँ 933 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं 974 पे यहाँ रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं। एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की अगर बात करें तो यहाँ कल एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ मार्केट होली की छुट्टी के चलते बंद थे, लेकिन सोमवार को यहाँ पे ब्लैक मंडे के चलते लगभग सारे एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में रिकॉर्ड गिरावट जो है दर्ज की गई थी, और मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ जो हैं यहाँ लोअर सर्किट को छूती हुई दिखी थी। हमारा मानना है कि यहाँ पे यूएस के स्टिमुलस पैकेज के होप के चलते एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में भी आज के सत्र में सुधार देखने को मिल सकता है। कच्चे तेल में निचले स्तरों से रिकवरी के चलते यहाँ पे ऑयल सीड्स और एडिबल ऑयल में भी आज के सत्र में थोड़ा सुधार देखने को मिल सकता है, और सोयाबीन की कीमतें फिर से एक बार 3750 3800 के रेजिस्टेंस को अप्रोच करती हुई दिख सकती है। 3650 यहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं रिफाइंड सोया ऑयल की कीमतें भी अपने रेजिस्टेंस लेवल 784 794 को टेस्ट करती हुई दिख सकती है। 770 यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं दूसरी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे ग्वार सीड, ग्वार गम, कॉटन सीड ऑयल केक और कपास वायदा में भी निचले स्तरों पर खरीदारी आज के सत्र में देखने को मिल सकती है। और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए इंडिया निवेश के रिसर्च अपडेट। धन्यवाद।